हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष। दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं होंडा लीवो लेने की 2021 में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में प्रोवाइड कराई है। साथ ही में इसको खरीदना 2021 में सही रहेगा या नहीं, वो भी हम लोग बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ जानने के लिए डिटेल से। और आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपने भाई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही में मेरे साथ नमस्ते बाइक के साथ जुड़ पाएंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, काफ़ी आपको खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। हालांकि जो कंपनी ने इसमें चेंजमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़े बहुत ग्राफिक्स को लेकर किए हैं। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको 74,191 रुपीज़ देखने को मिल जाता है। RTO इंश्योरेंस, बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद आपको कंप्लीट गाड़ी ऑन रोड 88,000 रुपीज़ की पड़ जाती है। ये मैंने आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस जानना है तो अपनी नियर बाई डीलरशिप पर जाकर विजिट कर सकते हैं। या आप इसका ग्रे मैट एक्सेस कलर देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत कलर है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। गाड़ी के माइलेज की बात करें तो आपको 60 KMPL का माइलेज गाड़ी आराम से प्रोवाइड करा देती है, तो काफ़ी अच्छा माइलेज भी प्रोवाइड कराती गाड़ी। साथ ही में आपको एक कम्फर्टेबल राइड प्रोवाइड कराएगी। और जैसा कि होंडा का नाम ही काफ़ी है, तो एक भरोसा सा बन जाता है जब भी आप इस मोटरसाइकिल को राइड करते हैं या कोई भी होंडा टू व्हीलर राइड करते हैं। साथ ही में इंडिया का लीडिंग ब्रांड भी होंडा है, तो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस अच्छे प्राइस सेगमेंट में प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको मैट ग्रे के साथ प्यानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है फ्रंट में। साथ ही में आपको स्टिकर फॉर्म में होंडा की बैजिंग देखने को मिलेगी। अगर इसके हेडलैम्प की यूनिट की बात करें तो काफ़ी डिजाइनर हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाता है। हालांकि ये आपको हेलोजन सेटअप में देखने को मिलता है। ऐसा कि दोस्तों, आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, जो इसके बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नो डाउट, कहीं से भी आपको ये नहीं लगता है कि आप एक नॉर्मल कम्यूटर बाइक चला रहे हैं। हमेशा आपको ये फीलिंग आएगी कि आप एक प्रीमियम कम्यूटर यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको क्लियर लेंस टाइप बल सेटअप में टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको स्लाइटली फ्लेक्सिबल देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की आपको फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से कम्यूटर बाइक के हिसाब से काफ़ी ट्रेंडी सी डिज़ाइन है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है फ्रंट में, जो कि एक आपको कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, अब इसके फ्रंट टायर को लेकर बात करते हैं। तो इसका जो फ्रंट टायर साइज है वो आपको 80x100 का R18 यानी कि 18 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको फ्रंट पे 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, जिसमें कंपनी ने CBS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, यानी कि सेंट्रलाइज ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक होंडा की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ब्रेकिंग क्वालिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे, काफ़ी जो वायर वगैरह की भी क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी यूज़ करी हुई है कंपनी ने, तो आपको नो डाउट कहीं से भी ये फील नहीं होगा। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि एक आप नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसी लग रही है गाड़ी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, जो इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी प्रीमियम फिनिश में कंपनी ने इसको प्रोवाइड कराया, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, इसमें आपको 3 कलर और देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा, जिसमें आपको ब्लू, रेड और आपको प्योर ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। या आप इसका मैट ग्रे कलर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अब इसके साइड प्रोफाइल को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जैसा कि चेकआउट कर पा रहे हैं, इसका जो होंडा का एम्बलम है वो आपको 3D फिनिश में देखने को मिलता है, जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। और इसके ग्राफिक्स की बात करें, जिसमें आपको लीवो लिखा मिल जाता है, तो काफ़ी ट्रेंडी सा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ्यूल टैंक आपको बल्कि फिनिश में देखने को मिल जाता है। जिसको इसके वाइजर हैं वो कंपनी ने काफ़ी ट्रेंडी डिज़ाइन में डिज़ाइन करे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात रहने वाली। तो एक तरह से ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को भी अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और दोस्तों, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको एक लॉन्ग ड्यूटी राइड प्रोवाइड कराएगी अपने माइलेज के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था कि आपको 60 KMPL का माइलेज प्रोवाइड कराती है। हालांकि अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, क्या इसका ये माइलेज जो कंपनी दावा करती है ऐसा ही है, या इससे ज़्यादा है या इससे कम, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है मोटरसाइकिल ये भी मुझसे शेयर करिएगा। अब इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं इसके। तो सबसे पहले आप इसका हैंडल बार चेकआउट कर पा रहे होंगे, काफ़ी आपको स्मूथ फिनिश में देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको इंजन स्टार्ट
स्टार्ट स्टॉप की बटन भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का जो स्विच है इनबिल्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको काफ़ी नई डिज़ाइन का देखने को मिल जाता है। अब जो एक्टिवा नई 6G आ रही है उसमें भी यही स्विच गियर्स कंपनी ने यूज़ करे हैं। स्विच गियर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम स्विच गियर क्वालिटी कंपनी ने यूज़ करी है, नो डाउट। कहीं से भी आपको ये फिनिश नहीं लगता कि एक थोड़ा सा मतलब जो चीप क्वालिटी का यूसेज है, काफ़ी प्रीमियम अच्छी क्वालिटी का यूज़ कंपनी ने किया है। जो इसका कॉम्बिनेशन है कलर के साथ वो भी मैच करता है, हालांकि जो सभी वेरिएंट्स में आपको यही कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। डिजिटल कंसोल की बात करें तो आपको सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाता है, यानी कि एनालॉग प्लस आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। इसके एनालॉग मीटर में अपनी स्पीड और साथ ही में इसके डिजिटल मीटर में अपनी ट्रिप फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इसमें अभी बैटरी इंस्टॉल नहीं थी, इस वजह से मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा पाया, लेकिन आपको जो है काफ़ी अच्छा मीटर कंसोल देखने को मिलता है। अगर इसके कॉम्पिटिशन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो कॉम्पिटिशन है वो हीरो की पैशन प्रो से होने वाला है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके मेन हार्ट की बात करते हैं, इसके इंजन की, तो इसमें आपको एयर कूल 4-स्ट्रोक SI BS6 कंप्लाइंट 110cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सिंगल सिलेंडर 2-वेल पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। पावर और टॉर्क की बात करें तो 8.79 PS का पावर गाड़ी जनरेट करती है 7500 RPM पर, और 9.30 Nm टॉर्क जनरेट करती है 5500 RPM पर। दोस्तों नंबर ऑफ गियर्स की बात करें तो इसमें आपको 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो इसके दोस्तों इंजन का कॉम्बिनेशन है जैसे कलर के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। साथ ही में दोस्तों अगर एक चीज़ बताऊँ मैं, इसका जो इंजन की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसकी जो रेटिंग थी मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लोगों को बहुत ज़्यादा इसके इंजन की क्वालिटी जो है अच्छी लगती है। दोस्तों इसकी सीट हाइट की बात करें 790 mm सीट हाइट देखने को मिल जाती है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी आपको सीट देखने को मिल जाती है। लॉन्ग यूनिबॉडी सीट देखने को मिल जाती है, जिसकी कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। दोस्तों आपको लग रहा होगा जब मैं गाड़ी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो इंडियन मार्केट्स में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो इसकी प्राइसिंग है थोड़ी से इसके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा है, तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपये। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था, इसका जो कॉम्पिटिशन है वो इस हीरो की पैशन प्रो से होने वाला है, जिसका प्राइस सेगमेंट इससे थोड़ा सा सस्ता है, यानी कि 2,000 से 3,000 रुपये सस्ता है। तो जो इंडियन कस्टमर्स होते हैं उनको वो प्रेफरेबल ज़्यादा लगती है, इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है इंडियन मार्केट में ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जो दोस्तों अगर गाड़ी के तो ओवरऑल लुक और डिजाइन की बात करें, साथ ही में परफॉर्मेंस की बात करें, तो नो डाउट कहीं से भी ये नहीं लगता कि आप एक नॉर्मल मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं, हमेशा आपको ये यकीन होगा। और साथ ही में आपको यूसेज करने में पता चलेगा कि आप एक प्रीमियम मोटरसाइकिल का यूसेज कर रहे हैं। दोस्तों इसके कर्व वेट की बात करें तो आपको 115 किलो कर्व वेट देखने को मिल जाता है। अब डायमेंशंस को लेकर बात कर लेते हैं तो इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो आपको 220 mm देखने को मिल जाती है। ब्रिथ की बात करें तो आपको 755 mm देखने को मिलेगी। साथ ही में इसकी दोस्तों लेंथ की बात करें, यानी कि ओवरऑल मिरर से लेकर ग्राउंड तक की हाइट की बात करें, तो आपको 1195 mm देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक पूरा ओवरऑल गाड़ी का डायमेंशन का लुक प्रोवाइड करा दिया। चलिए इसके रियर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो इसका जो दोस्तों बैक लैम्प, जैसा कि आप चेकआउट कर पा रहे हो, काफ़ी नॉर्मल सी फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बेल सेटअप में देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको रियर प्रोफाइल में भी जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको बेल सेटअप में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर लेंस टाइप स्लाइटली फ्लेक्सिबल, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों कंपनी ने जो गाड़ी की डिज़ाइनिंग रखी है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रखी है, या कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा सोवर रखी है। कहीं से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं फील होता कि आप एक मतलब थोड़ा सा कंपनी जैसे एक्स्ट्रा सा जोड़ने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फिनिश जो है होंडा की बहुत अच्छी है, नो डाउट। इसके जो एक्टिवा ब्रांड है, जैसे कि और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल हैं, हालांकि हॉर्नेट 2.0 कंपनी ने लॉन्च करी थी, जिसकी फिट एंड फिनिश की तारीफ मैंने अपनी वीडियो में करी थी। तो अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है तो आप आई बटन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके दोस्तों रियर सस्पेंशन को लेकर बात करते हैं, जो कि कई यूज़र्स की मांग रहती है कि उनको जो रियर सस्पेंशन क्वालिटी वो बेटर कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती। तो इसमें दोस्तों आपको हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, यानी कि स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन टाइप देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन है। साथ ही में आपको इसमें लेडीज़ लेग गार्ड विद फुटरेस्ट कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात रहती है। साथ ही में इंडियन एमिशन नॉर्म्स होने की वजह से ये कंपलसरी भी हो जाता है, लेकिन जो फुटरेस्ट है वो कंपनी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराती है। अब रियर व्हील को लेकर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो रियर व्हील साइज़ है वो आपको देखने को मिल जाता है 80x100 का।
R18 फ्रंट और रियर जो दोनों दोस्तों टायर साइज आपको सेम देखने को मिलते हैं। तो 18 इंच का आपको ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिलता है, साथ ही में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपको कहीं से भी, जैसे कि मैंने शेयर किया, कहीं से भी कंपनी ने गाड़ी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। अगर आपको कुछ लग रहा है कंपनी इसमें एडिशनल ऐड कर सकती थी, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मोटरसाइकिल या स्कूटर के अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, टू व्हीलर राइड करते समय हेलमेट का यूज़ ज़रूर।